से आपसे फीडबैक लेके कि आपको फूड से एलर्जी है कि नहीं। मोमोज, आलू प्लेटर, सेव पूरी, पानी पूरी, रोस्टेड चिकन, बटर चिकन, ब्रूस्ट, इतनी सारी वैरायटी सुना दूं ना। जो जो वाइट कर दे। वाइट चिकन क्या बोला तूने? वाइट चिकन। वाइट चिकन एग्जैक्टली। यार ब्रो बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो चुकी है। मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ, इसको जान मुझके ना लोग हार्ड नाम दिए गए, फ्रेश फ्रूट टार्ट, रेड वेलवेट पेस्ट्री, पेस्ट्री गाइस, चॉकलेट। सर आपको भी थैंक यू सर। सर हमारे मैनेजर थे सर, वेल एंड गुड के सर। बाय सर। थैंक यू सर। सर सब्सक्राइब करने बोलिए ना फाफू सर। बस इतना काफी, बस इंग्लिश में बात करके बच जाएंगे। पर मैं आपको ये साबित करना चाहता हूँ कि ये जगह मैटर नहीं करती ब्रो, आपके अंदर का पोस्टर मैटर करता है। अरे कपड़ा कहाँ गया? I lost baby girl. डेढ़ साल के बाद ये वीडियो आ ही गई। Yes, I am. भाई आप किधर जा रहे हो? शादी करने। शादी हो ही रही। Okay, so hey Fabu Scott, तो कैसे हो Fabu Scott? आवाज थोड़ी डाउन है ना सैशा? क्योंकि अपनों ने मारी नजर में को, पर कोई नहीं, हम अपनों के साथ। Okay, so guys, आज है हमारे किसका बर्थडे सैशा? अहमद का। SSG. आज अम्मो का बर्थडे, तो हम लोग जा रहा हूँ मैं उसको ट्रीट देने, यानी मिडिल क्लास लोग जो भी जैसा भी रहेगा, हम दोनों आज जा रहे डेट पे भाई लोग, और हम लोग करेंगे ट्रीट दोनों मिलजुल के जो भी रहेगा। ये सस्पेंस है, जैसे एक फाफो मो थिंग्स, यानी हम दोनों के बीच। तो आज जा रहे, आवाज थोड़ी डाउन रहेगी। आवाज आ रही है वहां तक? हाँ, okay. तो मैं शूज पहनते जब देखते तो कैसे हो फाफू स्कॉट? फाफू स्कॉट आज मैं जा रहा हूँ अम्मो के साथ। अम्मो के साथ अपन जा रहे, थोड़ी आवाज में आपको आज अच्छा नहीं लगेगा, माइक लगाने के बाद शायद अच्छी आवाज आए, तो आज थोड़ा गला डाउन है। मैं आपके लिए न्यू न्यू कंटेंट लाते रहूंगा, और फाफू स्कॉट और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर, आपका वेलकम टू दी फाफू स्कॉट। और आप आज हम अनलिमिटेड खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि मिडिल क्लास थिंग है, हमारे पास पैसे कम रहते हैं, पर हमें खाना बहुत सारी चीजें रहती है, वेराइटी रहती है। तो कैसा एक मिडिल क्लास बॉय जाएगा, और जो हमारे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर है वो मेरे चैनल को एक्सप्लोर करें। मेरा मोटिव आपको ये बताने कि कैसे हम सब एक मिडिल क्लास बॉय आपके सामने क्या क्या फेसेस करके यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि हम क्या शो करते सैशा? रियलिटी। क्या शो करते? रियलिटी। ओ रियलिटी, तो मैं ज्यादा पकाऊंगा नहीं, मैं पका रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा हूँ। और भाई ये चेन कैसी सैशा? तो कहीं से मैं चेन पहनता नहीं, मेरे को मालूम है लोग छपरी बोलोगे, लेकिन ये किसी ने मुझे बोला, अब मैं बताऊंगा नहीं वो ही है शी है, पर किसी ने दिया है, तो उन्होंने बोला एटलीस्ट एक ब्लॉग में प्लीज पहन लो, तो मैं पहन लिया। अगर आपको भी मुझे गिफ्ट करना है तो आपको कहाँ मुझे फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे? बताइए। मोहम्मद.फाफू प्राइवेट हो गया है, मोहम्मद_फाफू, मोहम्मद_फाफू कैसी बहन है तू? कोई नहीं, छोटी बातचीत हो गया, तो चलो चलते और देखते। चला जाए। हाँ। चेन अंदर कर लो। कर लो। और नजर लग गई तो निकाल दो फिर। पर किसी ने बोला एक ब्लॉक के पहनने के लिए, तो पहन लो। चलो चलते। कितना ड्रामा देखती है बे, सारे टीन्स लोगों को खराब करे। चलो क्या एक्टिंग करी, वाह क्या एक्टिंग है। चलो सस्ती मोटिवेशन। चलते चलते ना, अभी 6:30 और 7:15 का, मैं उधर देख रहा हूँ ना, अहमद वो आ गया, 7:15 का हम लोग का स्लॉट बुक है, और 6:30 अभी बज गए। ये देखो बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे भाई। इसने ना मूड ऑफ करा दिया, लिटरली पैदल चल के आना पड़ा भाई तेरे लिए पैदल। एक बात बताओ ब्रो, लेट क्यों हुआ? बोलेगा नमाज पढ़ रहा था। नमाज तो हर वक्त ही पढ़ता हूँ, बट आज लेट इस वजह से। ओके, हर वक्त की पढ़ना क्या बोलना जरूरी था? बुकिंग लेट हुई तो फिर मैं जिम। गाइस वैसे हम लोग की बुकिंग है ना, कहाँ कहाँ इधर क्या बात कर रहे हो, चल रिक्शा ले जल्दी। ओके सो गाइस, कैसा सीन था ना मैं आपको बताता हूँ, वेट अ सेक। घर से पहुंच के हर चीज लेट करता, हर चीज। ओके सो गाइस, अहमद आर यू रेडी?
चल जल्दी ले, टाइम हो गया 6:30 हो रहा है। तो जस्ट हाफ ऑफ मोटिंग मिडिल क्लास बॉय, आवाज जा रही कि नहीं मेरी? भाई जाएगी, माइक ना हो। बाकी पूछना नहीं मेरी आवाज फटी क्यों है, ठीक है बता चुका हूं, पर फाफूस कोट को बता देता हूं, थोड़ा बुखार था। बस क्या भाई, नजर लग गई, मेहनत करते हैं यार, तो बुखार तो रहेगा ना। अरे ऑटो लो, ऑटो कहां चल रहे हैं अपन, इसी लेट हो रहे, पहले ऑटो ले ले। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ सर, हाथ दिखाओ। ये मेरे क्लासेस का बंदा है, पंचायत करने आया लग रहा है मुझे, पंचायत करना कोई नहीं। बिग फैन, लाइक शेयर सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब करो भाई, भाई उसके बिग फैन, और बर्थडे को विश करो, बर्थडे भाई, थैंक यू ब्रो। चलो गाइस चलते हैं थोड़ा, सर 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 अबे रुकाना भाई। अरे तो ओके, सो गाइस ये बोल रहा था कि लाइक लेट क्यों हुआ, इतना लेट लतीफ है ना, कोई चीज करेगा तो एक्सट्रीम कर देगा। जैसे मैं बोला भाई, मैं बोला जिम जिम वाइफ जिम करना जरूरी, जिम बोला जिम जरूरी है। कल इसका 12 बजे बर्थडे था ना, मैं बनाया लेकिन पूरी बात बोल लेते, पूरी बात पूरी मैं बता रहा हूं, फायदा उठा रहा है, मैं बोल रहा हूं, क्या बात थी, मैं बता रहा हूं ना, दो ब्लॉग चालू। सो गाइस कल 12 बजे मैं गया ना तेरे घर, बर्थडे बना के मैं निकल गया, क्योंकि मुझे कल सुबह जिम जाना जरूरी है, डिसिप्लिन ला। और ये क्या करेगा मालूम है, कभी कभी सुबह में स्कूल रहती है ब्रो, और कल स्कूल गया था, बिजी शेड्यूल, स्कूल गया था कल, आज गया था ना ब्रो, आज ओके, तो माफी है बंदे, बस भाई माफी नहीं भाई, पर इस बात का मैं पता छोटी अम्मी से लगाऊंगा, मुझे शक है इस पर, और स्कूल क्यों नहीं जाएगा, चॉकलेट बांटने गया, बचपन की याद है। चलो रिक्शा, तो चलो यार ऑटो लेते भी हम लोग, भाई लेट है भाई, स्टेशन की तरफ चलो चलो, क्यों क्या हुआ, हम लोग रिक्शे में बैठ तो गए थे पर वो स्टेशन नहीं जाएगी, क्योंकि पेट्रोल पंप का कुछ आवाज फट गई है, बहुत ज्यादा वो हो गई है, बहुत ज्यादा ओके, तो ज्यादा मैं अपने परेशान नहीं करूंगा, तो गाइस मुझे बर्थडे तो विश कर दीजिए, और अंकल विश कर दो, अच्छे नहीं करेंगे मेरा बर्थडे अंकल, हंस रहे बर्थडे, थैंक यू अंकल, विश कर दो, बहुत तरह के लोग देखे पर यार आसान हो रहे, ओके ओके बाद में, ओके। सो गाइस कितने बज रहे हैं अम्मो, अभी कुछ 6:47 हो गया गाइस, ये चीज को मैंने मना किया कि 6:47, और मेरी आवाज़ ऐसी बैठी है साले को चिल्ला भी नहीं सकता, तो 6:47 और हम लोग को 7:15 का है ना स्लॉट, यानी 7:15 को कैसे भी पहुंचना था, वही चीज़ में समझाया इसको कि जिम कर रहा है ठीक है ब्रो, लेकिन एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि कोई नहीं, अभी इसकी उम्र ही क्या है गाइस, छोटा है, उसको माफ़ किया ओके। तो एवरी मिडिल क्लास थिंग, जा बड़े स्वैग से रहे, कपड़ा वपड़ा देख लो भाई, कपड़ा दिखाओ भाई, एक बार मेरा दिखाओ, जा तो वो स्वैग से रहे, लेकिन लोगों को लग रहा है बहुत अमीर लोग हैं अपन, हाँ एक दिन हो जाएगी कि नहीं बच्ची, इंशाल्लाह तो, लेकिन कोई नहीं, 6:47 हो रहे और अभी 6:50 की देख लो, 6:50 की एक है, मुलुंड में जाना है, और मैं इसको इसलिए बोल रहा था गाइस क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि कभी भी जाओ ना कोई नए प्लेस तो हमेशा जल्दी पहुँचो, तो 7:15 का है और भाई ने कॉल किए, बता देगा रिवील कर दिया जाए, मेरी शो भाई पक्का रिवील कर दिया जाए, तो कैसा है कि 7:15 का तो भाई ने ना, हम लोग बॉम्बे बारबेक्यू नेशन जा रहे हैं, तो अम्मो और मैं जो भी हम, मेरी तरफ से ट्रीट और अम्मो की तरफ से मेरे को ट्रीट, अब उन बताया कि रिवील नहीं, और अम्मो भाई कि जी इनके बारे में मैंने इनको बताया है, मैं रिवील नहीं करूँगा कि ही या शी है, ठीक है, ठीक, किसी ने मेरे लिए कहाँ से लाई है गाइस, अजमेर से लाई, तो मैं जो भी बताता हूँ पका दिया लगता, चलो बंद कर दे, ओके। सो गाइस अभी सिनेमैटिक वगैरह डन हुआ, 6:50 की ट्रेन मैंने आपको बताई, और 6:55 हो गए ना भाई गाइस, लाइफ अनप्रेडिक्ट है, 6:55 हो गए और ट्रेन अभी तक आई नहीं, आप पीछे ऑडियंस पब्लिक देख सकते हो कितने सारे, ये जस्ट एक मुंबई का थिंग है कि लाइक ट्रेन लेट होती ही है, इसलिए मैं पहले से इसको बोल रहा था कि भाई अपने को जल्दी निकलना, टाइम का पंक्चुअलिटी इधर, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, आई यू गॉटिंग, आइंदा पक्का प्रॉमिस कर, पिंकी प्रॉमिस, ये हम लोग करते रहते हैं, तो याद और हाँ अभी आज तो हाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है ना वहाँ पे भाई, सर गाइस थोड़ा फट गई है तो इससे एक अच्छा है, ऐसा बोलूँगा अम्मा देखते कब हो रहा, आई लॉस बेबी बॉय, यस आई एम, ओके
सो गाइस जैसी ट्रेन आएगी हम लोग चढ़ते हैं, कुछ कुछ हम लोग सस्पेंस आपके लिए ट्राई करेंगे. ओके सो बॉम्बे बारबेक्यू नेशन जा रहे हैं हम लोग, तो कैसा हमेशा की तरह मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगा आपके लिए और मैं आपकी तरह जा रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ खानी चाहिए. तो मैं तो रिसर्च थोड़ी बहुत यूट्यूब से ही किया कि हम लोग तो भाई गोश्त पे ही टू देंगे, गोश्त इन द सेंस नॉन वेज पे. सबके लिए रहा जो मतलब जिम बडीज है जैसे कि अपन हो गए, हम लोग देखे थे जिम बडीज और हम लोग जी और मेन चीज जो मेरे को पसंद है प्रॉन्स झींगा प्रॉन्स खाए थे गाइस. प्लीज रुक जाइए, तो हम लोग जिम जाते हैं. जी वाई एम जी आई एम वाला है ना भाई जी. चलो क्या हुआ, ट्रेन देखो ट्रेन का सीन हो गया क्या, वो ताली क्यों मार रहा है, मराठी नहीं समझती ब्रो. ब्रो ये छोड़ के उधर आ रही ट्रेन, बोला देखो लेट हो गए, जल्दी चल जल्दी चल. तो चलो चलते और देखते हैं. So guys, beware. आपको लाइव ट्रेन से कभी भी बोले लाइव ट्रेन से कभी चेंज मत क्या करो, स्टेयर्स का यूज करो सीढ़ी का. ए मिनम्मा स्टेयर्स का यूज करो गाइस, बिकॉज योर लाइफ इज वेरी कीमती प्रीशियस. यो ब्रो भागो भागो. गाइस तो अभी प्लेटफॉर्म नंबर इधर आए ना गाइस, हम लोग जब याद है पहली बार जब मुंबई गए थे, मुंबई तो यही प्लेटफॉर्म से गए थे. हाँ, ये प्लेटफॉर्म गाइस अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं वहीं से बोलूँगा मालूम, तो पुरानी यादें ताज़ा हो रही है बहुत. तो मैं बोल लूँ मैं बोलूँ जो गाइस पुराने फॉर्म उसका उठा गया समझ जाएगी, वो समझ जाएंगे. और बैठी थी और बैठ गई आगे ट्रेन. लो ब्रो चलो चलते और देखते. भाई जब दबा दिए थे यार, क्या हुआ अब आया मजा. हाँ ऑल लेट कर भाई, लिटरली इतना क्राउड यार, सच बता रहा यार. ओके सो गाइस ऑन है, अभी मैंने चश्मा पहना था ना, ये देख चश्मे के देख क्या हुआ. अच्छा गिफ्ट है ब्रो, ये चश्मा गया अभी देखते उधर गिरा होगा ये, बट ट्राई करते देखते ना ट्रेन चली गई जान के लेट हो रहे. चलो 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 चल कर, बच्चा है ना वैसे ही पहन ले, स्मार्ट लगोगे स्मार्ट लग रहा बस. तो गाइस जैसे कचरे को कैसे नुकसान हो गया, सेफ्टी वाला ब्लॉग देख लो पता चल जाएगा. नहीं लेना चाहता भाई, क्यों तू गरीब पर नहीं गाइस ये प्लास्टिक है. अब क्या करें गाइस, भाई आपने फाफू को सब्सक्राइब किए कि नहीं कर दिए. तो गाइस है ना मेरी आवाज़ आपको कम आ रही होगी, तो अहमद बोला भाई कम बोल ठीक है. हाँ तो प्लीज़ प्रे करिए, दुआ करिए मेरे लिए. अरे भाई ऐसा मांग रहा, डोनेशन मांग रहा, सब्सक्राइबर नहीं मांगता फिर मैं. तो गाइस आपको वेस्ट में उतरना है और आपको आज मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, वेस्ट में उतर के आपको अब रहा. हाँ हम लोग मुंडन वाली बारबेक्यू में आ रहे हैं, पावर मॉल पकड़ के ट्रैफिक में जाम होगा वैसे ही, 7:20 हो गए मत. चलो 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 था भाई, आर मॉल जाना है, सीट वाली रिक्शा है आर मॉल के लिए, सीट वाली रिक्शा यहाँ पर नहीं सर, आप डच करेंगे साथ में आर मॉल चलते, आर मॉल. अरे मैं सो गाइस डच का मतलब भाई पकड़ के बताओ पकड़ इसका मतलब. सो गाइस मैंने सर से बोला आधा पैसा आप पे करना, आधा मैं करूंगा, तो सर मान गए थे, रिक्शा वाला नहीं नहीं समझ गया ये हम वही कर सकते स्ट्रेटजी सी बता रहे चलेंगे. रिक्शा लाके जल्दी आर मॉल पकड़ा, टाइम हो गया सर आर मॉल. क्या मेरे को लगता है ना मेरे कैमरा बंद करना पड़ेगा, लोग गलत समझ रहे अपने को, वी आर नॉट FBI. ओके सो गाइस आर मॉल रीच कर गए, अरे उधर दिखा रहे आर मॉल व्लॉग बनाता अच्छे से मेरा नहीं. अरे आर मॉल रीच हो गए गाइस, तो अम्मो ने मुझे खेल गया भाई, क्या क्या मिलेगा वहाँ पर. वहाँ पे ब्रो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, अभी तुम चल रहे हो ना मोमोज आलू प्लेटर सेव पूरी पानी पूरी रोस्टेड चिकन बटर चिकन ब्रोस्ट, इतनी सारी वेरायटी सुना दो ना. जो वाइट कर वाइट चिकन, क्या बोला तुमने वाइट चिकन, वाइट चिकन एग्जैक्टली. यार ब्रो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, आए में मर जाओ. हाँ तो चलो चलते हैं गाइस और देखते हैं. हाँ मेरी
ओके सो गाइस लिच्छे हम लोग शाहरुख खान कर रहे हैं यो फाफू बन के। तो वहाँ पर क्या सीन मालूम है कि वहाँ पे बोले कि आपको बनाना बनाओ पर हमारा मतलब, तो मैंने बोला ठीक है। तो अब मैं यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग चल रहे इन द सेंस एस्केलेटर। तो अब वहाँ पर हम लोग क्या क्या सिलेक्ट करके खा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी डिशेज रहेगी। और कैसा ना गाइज, हम लोग को एक टिकट कितने की पड़ी? एक टिकट ब्रो हम लोग को वीकेंड था ना, वीकेंड यानी फ्राइडे सैटरडे संडे रहेगा। तो ये हम लोग यहाँ ब्रांच में बॉम्बे बारबेक्यू नेशन के, तो हमें क्या क्या खाना चाहिए अगर आप वैसे अम्मो भाई ने पेट में, अगर आप लोग ऐसा भाई मुझे बोल लेने दे भाई थोड़ा। तो अम्मो भाई ने ना पेट में वो जगह बचा के आया और जगह के लिए अभी रात में जिम करके आया। तो क्या गाइज जोक सपाट, तो अभी चलते हैं और देखते हैं ब्रो। चलो चलते हैं गाइस। ना आप लोग एक और चीज बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज नहीं खाना चाहिए। अरे मतलब क्या क्या चीज खाना चाहिए, आई मीन वो चीज ट्राई करना चाहिए। मना बार बार कर रहे, तो हो सकता है ना कि कॉपीराइट का कुछ सीन होगा तो मैं आवाज बंद कर दूंगा और बॉम्बे बारबेक्यू नेशन आ गया। लेकिन हो सकता है ना गाइस, तो ना हमें हो सकता है फिर यहाँ पर मैं आपके सामने ट्राइपॉड वाइपॉड लगा के नहीं जैसा जो रहेगा हमको शो करता हूँ। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। सो हमारी बुकिंग थी 750। मिस्टर अहमद आपकी बुकिंग थी जी? हाँ यही है सर। भाई ये बोल लेने दो, आप ड्रीम इलेवन, हम ड्रीम इलेवन टीम में ना जाते आप कर लो भाई। ओके सो गाइस अगर कॉपीराइट का कुछ भी सीन रहना। थैंक यू सो मच। आपका गुड नेम क्या सर? जयेश मार्के। जय मार्के सर। थैंक यू सर। तो गाइस अभी हम लोग यहां पर आके बैठ चुके हैं, अभी हम लोग दो लोग हैं। मैं ना गाइस इसको आज चेक कर रहा हूं खाली, तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं बोल लूं देखा बॉम्बे का वाटर का ये आगे से पहले नहीं कर रहे। तो जो भी रहेगा बताओ, कॉपीराइट का सीन तो बंद करता हूं। तो अगर रिव्यू दो तो गाइस क्वाइट गुड है, लेकिन मेरी एक हरकत करने का। ओके सो गुड इवनिंग सर वेलकम टू बारबेक्यू नेशन सर। एक एक्सक्यूज सर, गुड इवनिंग सर, आप सर इससे बोलिए ना इसका बर्थडे सर विश कर दीजिए ना बच्चे को। बर्थडे सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेज नॉन वेज क्या रहेगा सर? नॉन वेज, ऑल नॉन वेज रहेगा। सर मिस्टर अहमद बर्थडे बॉय सर, हैप्पी बर्थडे बोल दिया आपका, बर्थडे रहेगा जी सर, चलेगा सर। अभी सर किसी फूड से तो एलर्जी नहीं है ना सर? जी सर किसी फूड से तो एलर्जी नहीं है ना सर? नहीं सर कोई भी एलर्जी। ओके सो कैसे आपसे फीडबैक लेके कि आपको फूड से एलर्जी है कि नहीं? नाम लेंगे प्रीतम, मैं अपना टेबल टेक किया हूं, खाने का इशू रहेगा। एंड वो अपना इंट्रोड्यूस देंगे कि मेरा नाम प्रीतम है। ओके ओके आई गॉट इट। लाइक शादियों में कैसा रहता है कि आपको एक एक डचमैन दे देते हैं? भाई मैं बोल दूं ये कमीने मेरे को बोल रहे हैं, तो ये टेबल की प्रीतम सर है। प्रीतम सर चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्मा भाई वैरायटी निकाली खिलाई, नॉन वेज का ट्राई करते हैं। तो जो भी रहेगा आपको बताता हूं, होता है सर दोनों में से कोई चाहिए। अच्छा अगर वेज लोगे तो सिर्फ वेज तक लिमिटेड है और नॉन वेज। ओके सर ने चेहरा दिखा दिया, सर चेहरा दिखाइए। अगर आप वेज लोगे तो सिर्फ वेज है और नॉन वेज, और वेज लोगे तो ब्लू बता रहा हूँ। जी जी सर अच्छा रहेगा, रिपीट कर सकते सर, वो रिपीट करने ही आया यहाँ पर। तो चलो चलते और देखते हैं ब्रो। जिस टाइम बारबेक्यू का पहले भी विजिट कर चुके सर? फर्स्ट टाइम। हाँ फर्स्ट टाइम आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे सर, बारबेक्यू एक डाइनिंग कैजुअल रेस्टोरेंट है जी, जिसमें यहाँ पे एक लाइव चारकोल ग्रिल लाएंगे। ओके आई गॉट इट जी सर। सर मैं थोड़ी सरल भाषा में समझा देता हूँ, ऐसा आप बुरा मत मानिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कैसा नहीं बोले यार, चारकोल सर आप म्यूजिक बंद कर सकते क्या सर प्लीज? सर नॉर्मल। तो कैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर चारकोल का सीन रहेगा और यहाँ पर हमें ग्रिलिंग दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट सर थोड़ा बहुत हमें बताया जी, सर प्लीज आवाज बंद कर दीजिए। कैसा ना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहता है ऐसे आपको सर, आप ये टेबल के क्या आप क्या बुलाएंगे, टेबल के आप क्या रहे? ओके सो गाइस ये इस टेबल के स्टूवर्ड है, स्टूवर्ड इन द सेंस होटल मैनेजमेंट के ना सर, आपने स्टूवर्ड इन द सेंस ये टेबल के कैट टेकर ये सर है हमारे प्रीतम सर। तो प्रीतम सर आपके हवाले बटन आती हो, तो चलिए सर स्टार्ट करें। यस सर मैं स्टार्ट कर देता हूँ जी सर। तो चलिए शुरू करते हैं भाई।
सो गाइस हम लोग फर्स्ट टाइम में थोड़ा मजाक मस्ती करेंगे, अपन को ना स्वैग नहीं खोना अपना, ठीक है ब्रो? पानीपुरी, पानीपुरी इज देयर सर। वहाँ मीठी चटनी नहीं है क्या? यस यस, पापा की परियों को बहुत पसंद है सर। भाभी को पानीपुरी रहेगा। ओके, चाट में फोर टाइप का चाट आता है सर। आई हैव वन क्वेश्चन सर। यस सर। सर बारबेक्यू चाट क्यों बोल रहे हो? एक्चुअली सर इसका जो मैरिनेशन है वो बारबेक्यू में मिलता है जी, इसलिए सर इसका बारबेक्यू में स्पेशल ही नाम देता है। ओके गॉट इट सर। तो ये सर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें फर्स्ट वैरायटी देखने को मिलती है। स्पेटर तो आ गया था अम्मो भाई, एक स्वैग में ऐसी खा लिए तो मतलब हैंड वॉश करना जरूरी है, तो फाफूस कोट हाथ धोना बहुत जरूरी है, तो हैंड वॉश करके आते। हमारा बैग उधर ही, पर हमारे स्टूअर्ट जो है हमारे प्रीतम सो कॉपीराइट का सीन रहेगा तो समझ जाना अगर म्यूट मैंने कर दिया तो। चलो हैंड वॉश करके आते। और यहाँ पर एक ऐसे ऐसे तरह का भी, तो लाइक मजा के साथ हम लोग ब्लॉग बनाएंगे और हमें ना एकदम ऐसे बिहेव करेंगे ना एकदम प्योर मिडिल क्लास के तरह। हाँ तो अच्छा सुनो ना, ये मेरे को खुद ही मतलब ब्रो इधर जाए, बर्थडे बॉय तो माफ कर देते। ओके अम्मू सुन ना, तो इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो? थोड़ा अपन को ना एकदम देसी तड़का देना यार, एकदम मजा कर। नहीं ब्रो, देसी तड़का देना वो बहुत अच्छी चीज है। ए ब्रो एकदम कैसा है ना, अपन जाते हैं सिचुएशन में घुल जा रहे हैं। ये कैसा है गाइस, मैंने इसको सिखाया जैसा देश वैसा वेश, पर कैसा है अगर आप लोग आते हैं पर आप लोग हेजिटेट हो गए, हम लोग तो इंग्लिश में बात करके बच जाएंगे। पर मैं आपको ये साबित करना चाहता हूँ कि ये जगह मैटर नहीं करती ब्रो, आपके अंदर का पोस्टर मैटर करता है। अब एग्जैक्टली बोल रहा है, तो जैसा भी जो रहेगा आपको बताते हैं और देखते हैं। ओके सो गाइस लाइक एकदम देसी स्टाइल, आज कॉमेडी का मूड है तो नल तो ऐसे ही है जैसे रहता है ऑर्डिनरी टाइप। ओके एसएससी को सीखो सीखो बेटा। ओके तो अपना आलू चाप भी आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा फील आ रहा है, सच में आ रहा है। इधर दिखा रहा हूं। सो गाइस आलू चाप बोले भाई ने, आलू चाप से मुझे कुछ फर्क नहीं गाइस। बाकी बाल कैसा है मेरा स्टाइल आज? एक नंबर ब्रो, एक नंबर बोला भैया। अरे ब्रो सच में अच्छा है ब्रो, इसमें तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं ब्रो, तो गीला से बोल रहे तो क्या होगा ब्रो? ब्रो और तीन चार क्यों निकल रहे, इसकी जरूरत है? बिन मेरा हाथ भी तो गंदा था ना। ओके सो गाइस हम लोग चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे हैं, हम लोग है ना लाइक दोनों का मूड ऑफ हो गया था, पर कोई नहीं मजा करेंगे तो चलो चलते हैं। पानी पूरी टेस्ट करके चलो ट्राई करते हैं यार। नहीं ट्राई कर चुका मैंने, बता दिया अहमद और मैंने डिसाइड किया। अब आपको खाना बताए। अरे ब्रो ब्रो ये चटनी मतलब चटनी इन द सेंस सर, इसको क्या बोले गए हम? मीन चटनी। मीन चटनी, तो मीन चटनी को कैसा ना अभी ग्रिल रखे हमारा, तो उसके लिए अब जो भी रहेगा आपको डिशेस बताएंगे और वैसे ही करते। सर बुफे सिस्टम का है अपना? अच्छा वहाँ पर, तो आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम लोग स्टार्टअप करते। सर स्टार्टअप से पेट भर देंगे क्या सर? ये बिजनेस स्ट्रेटेजी आपकी? सब कुछ। तो भाई हम लोग जिम बॉडी से कम ही खाएंगे, तो चलो चलते और देखते हैं। आप देख सकते हैं स्पून वगैरह है सब अभी अपना आ गया और यहाँ पर आया जा रहा है। तो गाइस हाथ से खाने का मजा ही अलग है ना मोबाइल, तो गाइस स्पून से एक अलग तरफ और हाथ से खाने का मजा अलग तरफ, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ऐसे क्यों देख रहे ब्रो? ओके सो गाइस हम लोग ने अपना ना आइडिया लगाया, आइडिया इन द सेंस वी आर गोइंग थ्रू प्रोटीन, हमको प्रोटीन चाहिए, तो हम लोग ने स्टार्टर फर्स्ट स्टार्टर ट्राई किया। अब अहमद तेरा आइडिया क्या है अगर वापस जगह चाहिए पेट में तो? मेरा आइडिया वापस ये ना, पापा भी मुझे बताया वाला आइडिया कि आप लोग वॉशरूम जाके वार्म अप कर सकते हो, वार्म अप कर सकते हो। अगर गाइस खुद बोलता है, अरे ठीक है मैं बोल रहा हूं, सो वार्म अप कर लूं मैं, मैं कर लूं फिर। अच्छा बाहर निकलो, पुशअप मार लेते तो बस भाई, बस ज्यादा सीरियस नहीं हो जा ब्रो। ओके सो गाइस अब प्रीतम सर ना चुप पे चाप देख रहे हैं हम लोग को, डर लग रहा है। प्रीतम सर ऐसे क्यों देख रहे हैं सर आप? क्योंकि सर हमारे स्टूअर्ट है यार, देखेंगे कि हमें कोई जरूरत है कि नहीं, क्योंकि जो भी हम मेन कोर्स की तरफ बढ़ते हैं जोक सपात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आके आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो और आपको मजा आना चाहिए, मेन बात ये सही है कि नहीं मोबाइल? हैप्पी बर्थडे ब्रो। ये क्या कर रहे हैं बाकी खा लो, आप लोग जितना ऑर्डर करना करो अनलिमिटेड है, पर आप वेस्ट मत करो क्योंकि अम्मू खाओ जल्दी, वो खाओ तो अम्मू खाएगा वो तब खाओ। नहीं ब्रो रिटर्न भी हो जाएगा ऐसा, क्योंकि मैंने उसको टच नहीं किया ना, तो फिर से रिटर्न आ जाएगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सर। प्रीतम सर बोला अगली आवाज़ बैठी सुनी, प्रीतम सर सर कैसा अगर ये अनटच्ड है, टच नहीं हो तो ये रिटर्न हो जाएगा सर, रिटर्न कर दीजिए सर। जल गया तो सर? जला क्या?
अच्छा रिटर्न हो जाता है, तो कैसे रिटर्न हो जाएगा, तो आपको जो खाना है जो आपके प्लेट में है तो उसको आपको खत्म करना जरूरी है। तो रिटर्न करने की नौबत है, वो भी नौबत नहीं आनी चाहिए। हाँ तो अब आगे चलते गाइस, और मैं था ना प्रोटीन के चक्कर में, लेकिन अम्मू भाई बोल रहे कि मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा गाइस, ये मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो गया। अम्मू भाई बोल रहे जाए सारे वो भी चले जाए तो जान दो गाइस। तो कैसा प्रोटीन के लिए एक ओवर वीक ले, और भाई प्लीज़ गाना बंद कराओ, बंद कराओ, वॉइस नहीं आएगा। हाँ चलो चलते और मेन कोर्स में देखते क्या है। वाइट चिकन तो मैं एक ही शख्स के हाथ से खाऊंगा। गौर से देखिए इसे, गौर से। ओके सो गाइस सेकंड वॉशरूम राउंड है, हम लोग हाथ धोने हैं, मतलब कुछ गलत काम नहीं करना है, जो आप सोच रहे हो कि वार्म अप करने आए, तो कैसा है ना गाइस। फाफो ने यही प्लान था, बट मैंने कितने मुश्किल से ड्रॉप करवाया गाइस, आप लोग कैसे बताओ। ओके लेकिन एक चीज है गाइस, अगर आपको हैंड वॉश के मतलब बार बार वॉशरूम आना पड़ेगा, वॉशरूम थोड़ा दूर है, स्पेशली हम लोग ने बोला कि 5 मिनट्स के लिए ना म्यूजिक बंद कर दिए, तो गए वहाँ पर म्यूजिक बंद कराने, लाइक बंद होता है तो लाइक है ना, ऐसे अपने को मांगना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, लाइक सर 5 मिनट्स के लिए म्यूजिक बंद कर दिए। मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ सर, लाइक कॉपीराइट का सीन आएगा कैसा ना, मैं अपने एक ब्लॉग बना रहा हूँ कि मैं बॉम्बे बार विजिट किया, ओके दैट्स व्हाई यू शुड ओके फॉर देम, लाइक वो मूवमेंट बनाने के लिए, वाइबिंग करने के लिए, आई गॉट द पॉइंट। तो हो सकता है मुझे ना बंद करना पड़े, जो भी मैं आपको समझाता हूँ बाहर निकल के, आई गॉट द पॉइंट। गाइस ये सब स्वीट्स के आइटम्स है, लाइक आप स्वीट के आइटम देख सकते हैं, ये तो मेरे हिसाब से ना रबड़ी टाइप है, ये फ्रूट्स है, और ये अपने काम का नहीं, ये एक ही खाने की मैं बताऊँ गाइस ये क्या है, लाइक यार हम लोग बोलते हैं इसमें भी शाही टुकड़ा टाइप है ब्रेड का, मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ, इसको जान बूझ के ना लोग हार्ड नाम दिए गए, जैसे फ्रेश फ्रूट टार्ट, रेड वेलवेट पेस्ट्री, पेस्ट्री गाइस, चॉकलेट पेस्ट्री, पेस्ट्री गाइस, और सबको अच्छा इसको क्या दिए, लाइक इसका कुछ नहीं है। सो मैं आपको ना एकदम यहाँ के ना सरल भाषा में समझाऊंगा, ओके। तो मैं बोलूँगा गाइस मैं यही सब ट्राई करने वाला हूँ, मैं हैवी नहीं जाऊँगा, अम्मू भाई फुल फुल, तो जो भी मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ों में से ना, अच्छा बोल लो। और SSG के लिए आइसक्रीम्स भी है, चलो ट्राई करते हैं और बताता हूँ। तो हम लोग ने थोड़ा थोड़ा सब लिया ताकि वेस्ट ना हो, सर अच्छा स्टूडेंट हमारे प्रीतम सर, तो प्रीतम सर का फुल यूज किया जाएगा। प्रीतम सर आपका थोड़ा वॉइस, आप कहीं बाहर के ना, इंडिया के कहाँ के आप, उड़ीसा के ना, वेस्ट बंगाल के, सॉरी वेस्ट बंगाल, मैं समझ गया सर, वेस्ट बंगाल के कोलकाता के सर, कोलकाता के सर, अम्मू कोलकाता के सर, व्हाट शुड आई डू, ओके सो कोलकाता से अम्मू का कुछ थोड़ा रिलेशन है, पेट में जगह, लेकिन जी लेकिन अगर दो बैचलर आते और फ्रेंड्स आते और हम लोग आज मजा किए, लेकिन अलग ही बात, कोई भी आओ गाइस, कपल्स तो अलग अलग है, हम लोग दोनों तो कुछ भी खा सकते हैं, इसलिए हम लोग हर एक चीज ट्राई कर सकते हो। तो अभी कैसा ना, हम लोग दोनों अभी दोनों कैसे बैचलर्स लोग आए, तो हम लोग ने एक अलग तरह का व्लॉग बना के आपको प्रेजेंट किए, और अभी स्वीट्स बाकी है, और मैं आपको बोलूँगा ना गाइस आप यहाँ पर आओ ना तो आराम से खाओ, और जितना चाहिए उतना ही मंगाओ, क्योंकि अनलिमिटेड है। ये बैकग्राउंड का कुछ सीन होगा तो मैं सब तक एडिट करना पड़ेगा यार, मेरे को आपको रियलिटी शो करना था, लाइक एक अलग वाइब भी आज अम्मू का बर्थडे था। चलो चलते तो आइसक्रीम लेते हैं, SSG विल मिसिंग इट, SSG सॉरी, नेक्स्ट टाइम आपको लेके आना पड़ेगा। SSG देख के ना मम्मी को बोल रही है, मम्मी भाई अकेले अकेले चले गया, ओके एंड सेकेंड वन हटो अम्मा भाई,
ओके लगता है पिंक वाली में ना ज्यादा लोगों ने कैप्चर किए थे। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, मेरे को बोलने का मौका मिलेगा अम्मू मेरे ब्लॉग में भी क्या? बस इतना काफी, बस बस डाइट 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 डाइट। ओके सो गाइस, लाइक आज मेरा चीट डे मैंने ट्राई किया, तो मैंने बोला कि चीट डे करो तो अच्छे से चीट डे करो, तो डेजर्ट में दैट्स इट ब्रो। कम से कम कुछ नहीं ना 1000 कैलोरीज तो होना चाहिए। फ्लेक्सिबल डाइट लाइक मंथ में फर्स्ट चीट डे था मेरा, और ज़्यादा बड़ा चीट डे तो कोई नहीं, कभी कभार चलता है सेटिस्फेक्शन के लिए, तो मैंने ट्राई किया, बस दैट्स इट। अब इतना मतलब कैसा नॉर्मल खाया मैंने, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा किया, और लाइक रात था ना तो ज़्यादा नहीं खाया, जो भी है फ्लक्चुएट हुआ, पर सही है गाइस। यहाँ के आप कैसे आप आगे इन्जॉय करिए, और मेरी आवाज़ बैठी है करके मैं पहले जैसे चिल्ला के नहीं बोल सकता, तो आप समझ सकते गाइस। बस हाँ बस अब ज़्यादा मत बता, थोड़ा थोड़ा, चलो चलते यार देखते ब्रो। तो कैसा ना गाइस, अहमद ने अविश किया कि उसको केक चाहिए, तो केक आ गया, तो केक आ गया, हैप्पी बर्थडे। अरे मम्मी तो अम्मू के नहीं लिखाया। तो गाइस आज हैप्पी बर्थडे टू अहमद, तो मैं उनसे ट्राई करूँगा कि आप लोग सब डांस कर दीजिए, लेकिन मेरी आवाज़ थोड़ी कम है, तो सॉरी ब्रो आज पहले ऐसा नहीं, पर जैसा इन्जॉय किया हम लोग दोनों, कैसा ना एक बैचलर बन गया है, फुल इन्जॉय किया, और यहाँ पर बहुत डिसेंट लोग आते हैं, लेकिन हम लोग है ना थोड़ा अनडिसेंट, क्योंकि हम लोग दोनों भाई भी, और यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, उन्होंने हमारी हेल्प करे, और कंपनी की पॉलिसी है अगर आपका हो ना हो, अगर आप फेक भी बोलोगे बर्थडे तो आप सबको मिलेगा ही मिलेगा या जो भी, मैं आगे बताता हूँ। अब हम चलो चलते और देखते हैं ब्रो, छोटे बच्चे का बर्थडे बन रहा है। आई लॉस बेबी बॉय, सो लाइक दे आर प्लेइंग हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, अच्छा कल्चर है ये प्रवोक करके। इतना कैलोरीज खाने के बाद और कैलोरीज दे रहा है। डन ब्रो। सो लाइक टिपिकली कैसा है ना ब्रो, कैंडल तो ब्लो पहले नहीं किया, बाद में किया। वाह वाह सेवेज ब्रो, हम लोग नूब लोग है, तो एक अलग ही अल्फा मेल है ब्रो। तो लाइक ये कैसा था ना, यहाँ पर कैसे एक ट्रेडिशनल टाइप का, ये लोग स्टूवर्ड्स लोग है, तो दे आर मेकिंग हैप्पी बर्थडे सर। खुश ब्रो, प्रीतम सर, थैंक यू सर। सो प्रीतम सर ने ना हमारे स्टूवर्ड थे, लाइक यहाँ का जो भी हमारा था वो संभाले, वेरी गुड सर। कॉपीराइट क्लेम आएगा बाहर, बताता हूं। सब बोल दीजिए, सब्सक्राइब करिए फाफू को, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब और लाइक करिए फाफू एंड अम्मो को भी जो ले रहे। ओके तो मुझे भी कर दीजिएगा अम्मो। सो गाइस ये हमारे स्टूवर्ड्स लोग थे, बाकी आप लोग का हमको सर्विस अच्छी लगी सर, लाइव कॉन्टेस्ट से आपका भी। तो यहाँ पर कैसे मैंने उनके लिए थोड़ा दिन वॉइस बंद कराया, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड रहते, तो ये अपना बॉम्बे बारबेक्यू नेशन का था। चलिए सर मैं जा रहा हूँ, बाय सर, थैंक यू सो मच सर। आपको भी थैंक यू सर। सर हमारे मैनेजर थे सर, वेल एंड गुड थे सर, बाय सर, थैंक यू सर। सर सब्सक्राइब करने बोलिए ना फाफू सर, फ्री में बुलाइए आप, इंडोर्समेंट भी कर रहे, प्रमोशन करे सर आपका। तो चलो चलते हैं, बर्थडे हो गया आपका, आपको देख लिया आपने सर। चैनल का नाम अम्मो, भाई चैनल्स बता दीजिए हमारे सर, चैनल नहीं चैनल्स। ओके आ गया सर के पास, चलो चलते हैं। तो कैसा है ना सर, क्या सर प्रीतम सर हमारे स्टूवर्ड थे, लाइक कैसे ना प्रीतम सर हमारे टेबल संभाले, बहुत अच्छी सर्विस। सो लाइक अब निकलते हैं, जैसा ओवरव्यू मैंने आपको बताया, यहाँ पर आया वाइबिंग क्या अम्मो, चल तो क्वाइट गुड क्वालिटी और अच्छा लगा, लेकिन क्या वर्थ इट था कि नहीं मैं आपको बाहर बता दूँ। अभी तो अहमद, अहमद क्या करना है, अहमद यहाँ क्या करना है, ये ब्रो पुल करना है, करो खींचना है ब्रो, एक वन सेकंड। ओ मेरा भाई सीख गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, समझ गया ये सब। तो यहाँ का जो भी ब्लॉग रहेगा मैं आपको सब बताऊंगा सीख। थैंक यू सर। अरे प्रीतम सर, प्रीतम सर एंड तक छोड़ना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो मजा आया, और मैं आपको बता रहा हूँ लाइक ऐसे ही आपको जो भी, भाई मैं बात कर लूँ
तो चलो आपको अभी मैं एंट्रो एंट्रो एंड करूँ। तो गाइस मैं क्या बोला, जब भी मैं इधर हूँ पीछे कोई रहेगा तो अम्मो ही मेरे हाथ के पीछे रहता है। तो आज अहमद का बर्थडे था, उसको प्लीज़ फाफू स्कॉट अम्मो स्कॉट फाफू अम्मो थिंक स्कॉट विश करी हैप्पी बर्थडे। तो लाइटिंग सही ना भाई, तो लाइक इसका बर्थडे हमने मेमोरियल बनाया और आज हम दोनों ना बहुत एक छड़े भाई की तरह इन दस छड़े भाई इन द सेंस बैचलर्स की तरह आए इन्जॉय किए। तो हम लोगों ने खाए कैसे भी इन्जॉय किए, बहुत अच्छा लगा। अगर आपको आना है ना गाइस तो पर पर्सन 1050 था ना शायद, तो कैसे आप 1050 के पीछे मजे, अगर आप पैसे के पीछे जाओगे और खाओगे ना तो लाइक मेरे को तो नहीं लगता अपन पैसा वसूल किए, लेकिन हाँ इन्जॉयमेंट अच्छे से किए और मूवमेंट बना। और साथ में प्रीतम सर जो थे वहाँ की कंपनी पॉलिसी थी, उन्होंने हमें केक एक दिया। तो अम्मू भाई ने क्या बोले, हम दोनों ने सोच के कि हमें केक को ना मतलब कैसे वहाँ से ले लिए और सिर्फ केक ही लिया। अब आप बोलोगे अरे कैसे लोग हैं, नहीं ब्रो केक हम गरीब में देंगे कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन हम लोग हैं ना ये हम किसी ना किसी को दे देंगे जो जरूरतमंद है। जरूरत इन द सेंस लाइक जरूरतमंद कुछ गलत फील मत, हम लोग तो खा लिए और इसका बर्थडे भी हो गया, लेकिन ये हम किसी किसको देंगे हम बता जरूरतमंद इन द सेंस जो हम खा रहे गाइस। आवाज मेरी है पहली बार ऐसा, तो जो नए फॉर्म उसको मेरा पूरा ब्लॉग देखिए, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं गाइस। मेरा अम्मा भाई फोटो शूट कर ले थोड़ा बहुत गाइस। इंस्टा पे कहाँ फॉलो करना है मुझे, इंस्टा पे मोहम्मद अंडरस्कोर फाफू पे फॉलो कर दो यार, वहाँ जाओगे तो मेरी आईडी आप लोगों को मिल ही जाएगी। बस मुझे स्ट्रेटेजी मेरे तक पहुँचोगे यहाँ नहीं पहुँचोगे तो ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको ऐसी रियलिटी ब्लॉग देखना है लाइक कैसा है कि एक अगर मिडिल क्लास बॉय जाएगा वहाँ पर सब बहुत हाई क्लास लोग रहते हैं, लेकिन हमें कैसा रहना है रियलिटी रहना जो हमें वही है गाइस। हम लोग ने वाइब इन किया, लेकिन ना हम लोग इस बार एक सीनरी लेके गए थे कि हम लोग जो बर्थडे पार्टी अगर दो जा रहे दोस्त तो कैसे करेंगे, बड़ा भाई और छोटा भाई, बस पका दिया ताकि व्हाइट चिकन नहीं मिला मुझे, तो व्हाइट चिकन मेरे नसीब में है पर व्हाइट चिकन मिलेगा मुझे, थक गए चलो चलते हैं। हाँ